रुद्राक्ष धारण करिए, आप रुद्राक्ष को पहनिए। क्या करिए? यह शिव भक्त की प्रथम निशानी है। ज्ञान अज्ञान में हुए पाप रुद्राक्ष नष्ट कर देता है। दूसरा, त्रिपुंड का तिलक लगाइए, भस्म का लगाइए या चंदन का लगाइए। बहुत से लोग बोलते हैं कि महिलाएं भस्म नहीं लगा सकती हैं, तो चंदन का त्रिपुंड लगा सकती है। अगर आप भक्त शिव की भक्त बनी हैं, तो फिर पूर्ण रूप से आप बनिए, वरना ना आप इधर में है ना उधर में, आप अधर में मत रहिए। किसमें मत रहिए? अधर में मत रहिए। और अगर आप शिव भक्त बने हैं, तो सिर्फ सिर्फ शिव 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 यह नाम का जाप करिए। यह जिसके मुख में शिव शिव का नाम है, गले में रुद्राक्ष और मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, वह व्यक्ति शिव भक्त है और धीरे धीरे सदा शिव भक्त हो जाता है और वह शिव भी बन जाता है। अगर कोई पापी आदमी है और अगर एक बार त्रिपुंड लगा ले भस्म का, तो उसका पाप उसी क्षण जल जाता है। ये भस्म की महिमा है। ये दिखावा मत करिए, दिखावे से कुछ नहीं होगा। बताया ना कि संसार कितना दुखी है। आप किसके भरोसे हैं? अपने बच्चों के भरोसे, बेटों के भरोसे? बेटा विभ्रज निभाता है अग्नि के दाने तक। बेटा भी सिर्फ आग जलाने तकता है, बहू भी साथ निभाएगी बहरी के चौखटे तक। बहू भी रोते पीते कहाँ तक आएगी? घर की दहरी तक। भाई भी फर्ज निभाएगा मुंडे मुंडाने तक। कहाँ तक साथ देगा वो भी? मुंड मुंडाने तक, है ना? और मरने के बाद आपस में बांट लेंगे मिलकर माल सब। अरे तो मर गए, मरने के बाद क्या होगा? बेटे ने आधी लगा दी, भैया ने मुंड बना दिया, बहन 4 महीना 6 महीना रोई, मैं किसको राखी बांधूंगी, है ना? बहुओं ने भी घूमट मार के हाथ में लगाया, कोई नहीं देखता अंदर रो रही थी नहीं रो रही है? देखा ना, भाइयों ने कभी घूमट मारो और अंदर से आंसू आ ही नहीं रहे, अंदर से अच्छे हो जल्दी मर गए, काम खत्म। तो ये क्या है? साथ कौन देगा बताइए ना? इसके बाद तेरे साथी है धर्म के ये सब रिश्तेदार। भाई जो धर्म तूने किया है वही तेरे सब रिश्तेदार हैं। यम की सभा में पूछेगा खुद ये यमराज, बता तेरी करनी कब क्या फल हुए मेहरबान। तूने करनी ऐसे किए हैं, तुझे क्या फल चाहिए? अब तुम उसको ये नहीं बोल सकते हमको स्वर्ग जाता है। स्वर्ग की गति नहीं नर्क की मति है, और तेरी मति तो पहले मारी गई थी, तेरी कोई सदगति नहीं है। अरे तू तो उसी दिन संसार में फंस गया था जिस दिन तेरी ये मति मारी गई। तो भगवान को जपा, 9 महीने जब गर्भ में रहता है ना, खूब कहता मैं भगवान को जपूंगा, मैं भगवान को जपूंगा, भगवान को जपूंगा, और जैसे ही बाहर आता है तो बोलता है कौन भगवान, कैसा भगवान? मेरे पास तो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे। लेकिन जब मरता है तब क्या होते हैं? शरीर से उतार दिया जाता है वो कपड़ा, जिसको आदमी ने रखा था जीवन भर ढकना। ढक्कन जैसे लपेट के रखते ना है? कपड़ों के अंदर कोई नहीं, आदमी बहुत चड्डी बनियान पहनता है, ढकना ढक्कन जैसे रखता है उसको। लेकिन आज के समय चिता पर वो भी उतार दिए जाते हैं और उसकी जगह कांस रख दी जाती है। क्या रख दी जाती है? कांस। उस अब तुम बताओ किस पे गुमान करते हो? घमंड क्या है तुम्हारा? जब जिंदे थे तब वजन था 80 किलो, मर के राख हो गए वजन कितना है? 8 किलो। जब जिंदा थे तब कितना वजन था? 80 किलो। और मर गए और लकड़ियों में जल गए, भुंज गए, सब क्रियाकर्म हो गए, कार्यकलाप हो गई, है ना? और राख का वजन कितना निकला? 8 किलो। जिंदगी भर तुम दूसरे का वजन नहीं ढूंढते रहे, है ना? तो वजन तुम्हारा नहीं था, वजन तो दूसरों का था। तो शिव भक्त बनिए, घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन भगवान शिव के होकर रहिए।
ये तीन निशानी आप धारण कर लीजिए। अगर आपने शंकर जी को अपनाया है तो सही में अपनाइए, नाटक मत करिए। अगर यहाँ कितने से भक्त बैठे होंगे जिनके पास